नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑन ट्रैक चैनल पर और देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए चलते हैं स्पीड न्यूज 25 पर। सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, रिया के घर छापेमारी कर शोविक को ले गई साथ, सैमुअल मिरांडा को किया गिरफ्तार। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 39 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में 83,341 नए मामले आए सामने। तमिलनाडु के कुड्डालोर की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 9 लोगों के मारे जाने की खबर। ड्रग्स मामले में केंद्रीय अपराध शाखा ने की बड़ी कार्रवाई, कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को लिया हिरासत में। चीन से ताजा विवाद पर बोले जनरल नरवणे, LAC पर हालत नाजुक, हमारे जवान तैयार। भारत ने चीन को दिया एक और बड़ा झटका, NGO के वीजा आवेदनों की कड़ाई से होगी जांच। भारत में एप्स बैन के बाद चीन को टैगोर, योग और फिल्म दंगल याद आई, कहा हमारे रिश्ते तो 1000 साल पुराने, भारत को खतरा नहीं मानते। बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, सेना का एक अधिकारी घायल। लखनऊ समेत 11 जनपदों में सीरो सर्वे आज से, खून में एंटीबॉडी की होगी जांच। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का इंटेलिजेंस की जांच को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप, इंटेलिजेंस के द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बिहार और अन्य राज्यों से आने वाले घटिया चावल के बारे में कराया गया था अवगत। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के B10 बंगले पहुंचे संपदा विभाग की टीम, कृषि मंत्री कमल पटेल को आवंटित हुआ है B10 बंगला। रोजगार मांगने आए बेरोजगार युवा संघ के युवकों पर लाठीचार्ज, दिग्विजय सिंह और PC शर्मा भी हुए शामिल। बाढ़ से खराब हुई फसलों के निरीक्षण के लिए CM शिवराज सिंह ने किया रायसेन जिले का दौरा, कहा किसान चिंता ना करें। महीने से जारी तनाव के बीच पहली बार राजनाथ और चीन के रक्षा मंत्री आज कर सकते हैं मुलाकात, चीन ने जताई थी बैठक की इच्छा। चेन्नई सुपर किंग्स का दूसरा खिलाड़ी IPL से हटा, हरभजन सिंह भी टूर्नामेंट से बाहर। साउथ चाइना सी में ताइवान ने चीन का सुखोई फाइटर जेट मार गिराया, चीन के जंगी विमान उसकी हवाई सीमा में घुसे थे। कंगना रनौत का ओपन चैलेंज, कहा 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूँ, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक लें। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने खुफिया जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई न करने के सवाल पर कहा, कमलनाथ और PC शर्मा का अलाइनमेंट बिगड़ गया था, जो जानकारी होने के बाद भी फैसला नहीं ले पाए। दशहरा, दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे चलाएगा 120 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन, चल रही ज्यादातर स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट पहुंची 100 के पार। युवती की जिद के आगे झुका रेलवे, इकलौती सवारी के लिए चलाई राजधानी एक्सप्रेस, 535 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंची रांची। PM मोदी बोले कोरोना काल में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, PM ने IPS प्रोबेशनर्स को योग और प्राणायाम करने का सुझाव दिया। देश में प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण हुआ पूरा, जल्द सामने आएंगे नतीजे। फतेहपुर में टला बड़ा रेल हादसा, कोयला लदी मालगाड़ी की बोगी में लगी थी आग, फायर ब्रिगेड की मदद से पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के सांबा में पलटी सेना की गाड़ी, 10 सैनिक घायल, 3 की हालत गंभीर। अक्टूबर नवंबर तक अमेरिका तैयार कर सकता है कोरोना की 2 वैक्सीन, स्वास्थ्य संस्थाओं को भेजे नाम।